जी दोस्तों, सो वेलकम बैक। आ गए हैं आप सब लोग वापस तीसरी क्लास में हैं। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे ना, है ना? कहां तक पहुंच गए थे सर? हम पहुंच गए थे चेक पे। तो चेक पे आ गए थे, नोटबंदी याद आई होगी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा रायता लग रहा था। एक काम करते हैं, वो जो एग्जाम्पल हमने लिया था ना, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो बिल ऑफ एक्सचेंज तक पहुंच गए थे, आप, आपकी गर्लफ्रेंड और वो दुकानदार, तीन बंदे हो गए थे। हाँ, तीन लोग हो गए थे जब पार्टी में। अब आपने उसे वो बिल देने की जगह ना एक चेक दे दिया, इससे समझ लेना आगे का। ठीक है, ठीक है। यहां से ऐसे कंटिन्यू करेंगे कि आपने उस दुकानदार को क्या किया, बिल नहीं दिया, चेक दिया, तो भी क्या हुआ, तीन ही तो पार्टी हुई। लिया किसने था, बनाया किसने, बर कौन रहा आप। ठीक है, अब एक काम करता हूं, अब आपको बताना शुरू करता हूं। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये बात की थी कि चेक तो होता है सर, चेक तो हम बना के दे देंगे, बट क्या बताओ, एक बार आपने एक चेक निकाल के एक चेक बना दिया किसी के नाम पे, तो क्या होगा, क्या वो चेक मतलब सदा बाहर है, अमर हो जाएगा वो चेक, वो इंसान कभी भी अपने बैंक अकाउंट में जाके उसे निकाल सकता है क्या, वो उसे कभी भी इनकैश करवा सकता है क्या, कभी भी अपने बैंक अकाउंट में डला सकता है क्या, मतलब एक बार पैसे दे दिए तो मतलब अब वो कभी भी निकलवाए, आज निकलवाए बेशक 500 साल बाद निकलवाए, ऐसा कुछ होगा या इसकी भी कुछ वैलिडिटी होगी, सोचो क्या कोई वैलिडिटी होगी इसकी सर? हाँ, वैलिडिटी तो होनी चाहिए, कितनी, चलो एक गेस करो, मुझे पता है आप क्या, आप लोग क्या गेस करोगे, फिर भी गेस करो, गेस करो। आप में से मोर देन 90% के दिमाग में ये आ रहा है कि सर चेक की वैलिडिटी होगी 6 महीने, यही आ रहा है, यही सोच रहे हो, सही सही बताओ, ईमानदारी से बताना, यही सोच रहे हो ना? हाँ जी, आप सब लोग यही सोच रहे हैं, तो ध्यान दीजिए इधर। 4 नवंबर 2011 वैलिडिटी के ऊपर आया था आरबीआई का एक नोटिफिकेशन, आरबीआई का क्या आया था, एक नोटिफिकेशन जिसने कहा जो चेक की वैलिडिटी है पहले 6 महीने हुआ करती थी, पहले 6 महीने हुआ करती थी, अब कितनी है, 3 महीने, वैलिडिटी इज 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट मेंशन्ड। ऑन द चेक जो डेट होगी वहां से 3 महीने, सर 3 महीने से ज्यादा नहीं, नहीं एक भी दिन ज्यादा नहीं, एक दिन भी ज्यादा नहीं, 3 महीने मतलब 3 महीने, दैट्स इट, एक फाइनल रूल है। आरबीआई का नोटिफिकेशन आया था 4 नवंबर 2011 को, उसने साफ साफ क्लियर कर दिया कि भैया अगर काम कर रहे हो तो 3 महीने से ऊपर का चेक नहीं चलेगा। सर क्या इसका कोई तरीका है? हाँ, अगर आपको जा देना तो एक फ्यूचर डेट का दे दो, मतलब आपको किसी को पेमेंट 6 महीने बाद करनी है तो आप उसे एक फ्यूचर डेट का चेक दे दो जिसके अंदर वो 6 महीने आ जाए, समझ आई ना बात? अब चलो, खैर अभी वो भी बात करेंगे, अब चलें आगे। वैलिडिटी ऑफ चेक हमारा खत्म होता है यहां पे, इसके बाद अच्छा डिफरेंस बिटवीन पहले करना है क्या, एक काम करो पहले छोटी छोटी टर्म्स है ये बता देता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद तो सारा काम आसान हो ही जाएगा, उसके बाद तो बस आप बताओगे और मैं सुनूंगा और इसी में डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा, जैसे आपने प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में बताया था। अब देखो क्या हुआ, एक आता है बैंक ड्राफ्ट जो हम यूजली यूज करते हैं अपनी ग्रेजुएशन की फीस वगैरह पे करने के लिए, या इंस्टीट्यूट में दिया है कभी ऑफलाइन मोड पे, जिन लोगों ने दिया होगा वो समझ गए होंगे, ऑफलाइन मोड पे कैश भी होता था, डीडी भी होता था जब आपने रजिस्टर करवाया था, अब तो तब भी वो भी ऑनलाइन है, तो कुछ तो ऐसी जगह होगी जब आपने ड्राफ्ट बनवाया होगा, डीडी कहते हैं जिसे, डीडी बनवाने जा रहे हैं, दीदी भैया वो नहीं, दीदी भैया वो नहीं, नहीं डीडी, इट्स अ डिमांड ड्राफ्ट, याद है? आप बैंक में जाते हैं एक ड्राफ्ट बनवाना होता है, जो जिसके बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप चेक से बनवा लेते हो या उसे कैश देते हो, फिर बैंक कुछ चार्जेस लेता है और आपको एक ड्राफ्ट बना के दे देता है, और वो ड्राफ्ट आप अपनी फीस के लिए सबमिट करवा देते हो, याद आया कुछ थोड़ा थोड़ा? हाँ, तो ऐसे ही एक बैंक ड्राफ्ट होता है, ये क्या होता है, इट इज ड्रॉन बाय बैंक,
ये कौन बना के देता है? आप बना के देते हो? नहीं, ये बैंक बना के देता है। तो ड्रॉ कौन कर रहा होगा? बैंक। तो बैंक किस पे कर रहा होगा? ये सामने वाले बैंक पे ड्रॉन ऑन एनी अदर पार्टी। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि एक बैंक ने ड्रॉन बाय बैंक ऑन अनदर बैंक, एक बैंक ने दूसरे बैंक को दिए, और ये बनता कैसे है? बाय चेक आप बनवा सकते हैं इसे। याद है जब आप चेक लेके जाते थे वो लास्ट में लिखवाता था चार्जेस टू बी डेबिटेड टू माय अकाउंट, और इसके नीचे बेटा साइन भी कर दो। चेक से बनवाते थे आप, ये कैश से बनवाते थे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, पेपर में आ जाए अगर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए तो बहुत है इतनी बात है। ठीक है, ये टर्म्स में बना के लिख देना, दो नंबर का एक या तीन नंबर का कुछ पूछ लेता है बहुत है, ताकि एक टर्म है जो हमें याद रहेगी। और ये पेबल ऑन डिमांड और ऑर्डर होता है, पेबल ऑन डिमांड। किसी ने कहा कि डीडी चाहिए तभी तो दोगे, और ऑर्डर, या कोई ऑर्डर आया कि पेमेंट करनी है भैया तो ही तो करोगे, ऐसे ही कर दोगे बिना बात के। किसी ने डिमांड की कि हमारे को पेमेंट दो, आपने कहा कि नहीं सर मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में किसी के पास नहीं होती ज्यादातर। अब क्या हो सर डेबिट कार्ड से कर दूं? नहीं, फिर आप एक काम करो, अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो आपको एक काम करना है, आपको डीडी बनवा के लेके आना है बैंक से। तो अब उस इंसान ने डिमांड की तो जाके आपने ये बनवाया, पेबल ऑन डिमांड और ऑर्डर, या कोई ऑर्डर आया तो आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। अब ठीक है, मार्क्ड चेक, मार्क चेक। सर ये क्या होता है? एक बारी आपने एक चेक के ऊपर एक इंसान का नाम लिख दिया, उस पे के आगे लिख दिया आपने नाम सुपर प्रॉफ्स, मान लीजिए, तो आपका बैंक लायबल है वो अमाउंट सुपर प्रॉफ्स को देने के लिए। आपका बैंक मुकर नहीं सकता। हाँ ठीक है, अगर सिग्नेचर वगैरह मैच नहीं कर रहे तो अलग बात है, बट योर बैंक इज अंडर लायबिलिटी टू पे अमाउंट टू दैट पर्सन हुज नेम इज देयर ऑन द चेक। आई बात समझ? मार्क चेक का यही मतलब होता है, बैंक इज अंडर लायबिलिटी टू पे अमाउंट टू दैट पर्सन हुज नेम इज देयर ऑन द चेक। वो पे अमाउंट टू पर्सन हुज नेम इज देयर ऑन द चेक। मार्क चेक, बैंक ड्राफ्ट। आई बात समझ? कुछ कुछ जिसका नाम लिखा है उसी को ये पैसे मिलेंगे। तो सर ये तो हमें भी पता है, पेपर में आ जाएगा मार्क्ड चेक क्या लिखा गया। अरे सर आपने तो पढ़ाया नहीं था। याद आ गया, अब याद आ जाएगा। अब आप चेक की कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाल दोगे ना इन सबके साथ तो भी चल जाएगा मार्क चेक। अच्छा, अब एक होता है क्रॉस्ड चेक। सर क्रॉस का क्या मतलब होता है? मतलब काटा लगा दिया जाए। क्रॉस चेक ये क्या होता है? चेक के लेफ्ट साइड के टॉप पे एक दो पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। क्रॉस चेक का क्या होता है? ये इट इज अ सेफ्टी ऑफ मेजर, मेजर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ मेजर। याद कर लोगे अगर मैंने बोल दिया ना, इट्स अ मेजर ऑफ सेफ्टी। किस लिए? ताकि आप दो पैरेलल लाइंस बना देते हैं ना, तो ये होता है कि ये पैसा उसके अकाउंट में ही जाएगा, ये पैसा उसके अकाउंट में ही जाएगा। इसे हम जनरली अकाउंट पे ही की। अच्छा देखो यहां पे ये लिख लो, इसका ये मतलब है ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइंस टू पे अमाउंट टू बैंकर ओनली। टू पे अमाउंट टू बैंकर ओनली, ये जो पैसा है ये किसे जाएगा? सिर्फ और सिर्फ उस बैंकर को। जो बैंकर होगा उसे जाएगा ये पैसा, उसके अलावा किसी को भी नहीं जाएगा। टू पे अमाउंट टू द बैंकर, मतलब जो आपका बैंक है वो सामने वाले बैंक को ही पैसा देगा और उसके अलावा किसी को नहीं देगा, वो बैंक आगे दे देगा। क्या मतलब होता है इसका? क्रॉस्ड चेक का स्पेशल क्रॉसिंग। सर स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? ये जो दो लाइंस है ना, इसके बीच में बैंक आ जाता है, जैसे पीएनबी बैंक, आपने पीएनबी लिख दिया, तो अब ये क्या होगा? ये पैसा जो होगा ना ये इस बैंक को मिलेगा। आपने सामने वाले से पूछा कि हाँ भैया आपका बैंक किस अकाउंट में है, उसने बताया जी पीएनबी में, तो अब आप क्या करोगे? उसके ऊपर पीएनबी लिख दोगे। अब देखो चलो ठीक है, रायता सा फैल रहा होगा, तो एक काम करते हैं, आप उस दुकानदार के पास गए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, उस दुकानदार को आपने ये कहा कि बिल नहीं किया, आपने क्या किया? आपने कहा भैया एक चेक दे दूं चलेगा?
अभी कैश नहीं लेके आया। उसने कहा यार चेक, आपने कहा एक काम करूंगा कि ना आप मेरे पड़ोस में ही तो रहता, आप चेक ले लो मुझसे। आपने उसे चेक दिया, तो आपने उससे पूछा हाँ भैया 3 महीने की वैलिडिटी है इसकी, ठीक है 3 महीने में आप करा लेना। उसने कहा ठीक है भैया 3 महीने क्या, हम तो 3 दिन में करा लेंगे। तो आपने उसे बता दिया भैया चेक की वैलिडिटी है ना 3 महीने हो चुकी है, याद रखना 2011 से। ने कहा अच्छा 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 ठीक है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, अगली बात पे आए, फिर आपने क्या किया उस चेक के ऊपर 2 लाइंस डाल दी। उसने कहा ये क्या कर रहे हो। आपने कहा ये इसलिए कर रहा हूं ताकि पैसा बैंक अकाउंट में ही जाएगा, जो पैसा होगा वो बैंक को ट्रांसफर होगा, कैश नहीं मिलेगा। उसने कहा नाम मत लिखो भैया। तो आपने कहा ठीक है ले, 2 पैरेलल लाइंस डाल दी, ये पैसा बैंक को मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा। कमाल है, कैशलेस इंडिया में रहते हो और ऐसे काम करोगे, 2 नंबर की इनकम दिखाएगा कैश निकाल के। अब देखो आपने क्या किया, 2 पैरेलल लाइंस बना दी। अब उस दुकानदार ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने पूछा भैया आपका कौन से बैंक में अकाउंट है। उसने कहा पीएनबी में है। तो आपने उसके बीच में पीएनबी भी लिख दिया, पीएनबी, ताकि ये चेक बैंक सिर्फ और सिर्फ पीएनबी बैंक को देगा और किसी को भी नहीं देगा। जो आपका बैंक है एसबीआई या फिर जो भी है एसबीआई बैंक, ये चेक सिर्फ और सिर्फ पीएनबी बैंक को देगा और किसी भी बैंक को नहीं देगा। क्रॉस्ड ओनली टू दैट बैंकर। समझे, जिस बैंक का नाम लिखा होगा ना वहां, सर इसके विषय में बंदे का नाम लिख सकते हैं, नहीं इसके विषय में बंदे का नाम मत लिख देना, उसके लिए कॉलम अलग से होता है। कहीं इसके बीच में आप लिख दो हाँ भाई बिजली को पेमेंट करनी है, बिजली का नाम लिख दो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, भूल के मत करना ऐसा ना, अ बिग नो। स्पेशल क्रॉसिंग पीएनबी बैंक, तो पीएनबी बैंक को ये पैसा जाएगा। अब अकाउंट पे ही, सर ये अकाउंट पे ही कैसे होता है, मतलब अकाउंट पे ही चेक क्या क्या मतलब है। जब आप ये 2 लाइंस डालते हो और इसे ऐसे कर देते हो अकाउंट पे ही, इसे कहते हैं अकाउंट पे ही चेक, समझे। अब इससे क्या होगा, सामने वाले के बैंक अकाउंट में ही पैसा जाएगा। जो आपका पैसा है आपने इससे रिस्ट्रिक्शन दे दी कि ये पैसा सामने वाले के बैंक अकाउंट में डालना और कहीं नहीं डालना। मनी विल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट। Only to the bank account of the person whose name is there on the check. समझे? ये वो इंसान है क्या जिसका नाम उस चेक के ऊपर है उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट नहीं है तो भैया खुलवा ले, 3 महीने का टाइम है, वैलिडिटी है 3 महीने, 3 महीने के बाद करेक्शन कार्ड दिया जाएगा। करेक्शन कार्ड दिया जाएगा सर मतलब वैलिडिटी खत्म हो जाएगी यार। अभी छोटी 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 टर्म्स है जो थोड़ा रायता फैलाने वाले लग रही, पता होनी चाहिए, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। दुकानदार के पास गए, आपने सीधा ये लगा दिया, इसका मतलब पैसा सीधा बैंक को मिलेगा, आप कैश नहीं ले सकते। अगर आपने अकाउंट पे कर दिया तो अकाउंट में जाएगा, स्पेशल क्रॉसिंग कर दी तो उस पर्टिकुलर बैंक को जाएगा जिसका नाम आपने वहां मेंशन किया है। समझे बात, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा है इसके अंदर, रिवीजन में आएगा और मजा आएगा। अब आए हैं दोस्तों यहां चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर सिमिलैरिटी देख ली थी, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या है। सर डिफरेंस बिटवीन क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बिटवीन है, एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सर कैसा डिफरेंस है, कमाल है, एक सिमिलैरिटीज है तो डिफरेंस भी है। मतलब अगर ये दोनों चीजें पूरी सेम होती तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों कहते हैं। कुछ डिफरेंस बिटवीन है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सर चेक भी तो एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अगर आपको ये याद है कि चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बहुत अच्छी बात है, ये तो सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या होगा, चेक हमेशा बैंक पे ड्रॉ होता है, यहां पे बनाता कौन है, हमेशा आप हमेशा किस पे बना रहे हो, ड्रॉर कौन है, आप ड्रॉई कौन है, हमेशा बैंक होता है, याद आया, ड्रॉई इज ऑलवेज बैंक।
बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या बिल भी बैंक पे बनाया जाता है? बिल तो किसी भी इंसान पे बनाया जाता है। जुगनू बिजली पे बना दे, बिजली संतरा पे बना दे, संतरा मौसमी पे बना दे, किसी पे भी बना दे, है ना। ड्रॉई कैन बी एनी वन। ड्रॉई यहां पे हमेशा बैंकर होता है, हमेशा बैंक होता है चेक के केस में, बट वहां पे कोई भी हो सकता है। जब आपने चेक पढ़ा तो उस पर आपके बैंक का नाम है, आपका बैंक है जो पैसे देगा, ठीक है, आपका बैंक है वो जो पैसा ट्रांसफर करेगा, वो आपका एजेंट है। ड्रॉई इज ऑलवेज बैंक, ड्रॉई कैन बी एनीवन। चेक के अंदर कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। सर ग्रेस पीरियड क्या होता है? अच्छा, स्कूल में कभी नंबर ऐसे आए हैं जो, जैसे मान लो 40 पास होने के लिए चाहिए तो 39-38 आ गए? अच्छा यहां तो आए होंगे ना, नहीं आए अभी तक तो बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रोफेशनल पेपरों में तो ऐसा होता ही है, 40 चाहिए पास होने के लिए, बच्चा 38 रह जाता है। ये स्कूल भी नहीं है जो ग्रेस मिल जाए। ग्रेस क्या होती थी? मतलब आपके 2-3 नंबर बढ़ा दिए जाते थे, 2-3 नंबर आपको फालतू दे दिए जाते थे ताकि आप पास हो जाए, होता है ऐसा? उसे कहते हैं ग्रेस। मतलब आपको एक फालतू चीज दे दी जाए, फालतू टाइम दे दिया जाए। चेक के में कोई ग्रेस पीरियड नहीं है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के में 3 डेज ग्रेस पीरियड। अब दोस्तों 3 दिन कैसे याद रखोगे? अभी तक 2 ही तो नंबर चल रहे हैं। 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थे, 3 दिन की ग्रेस मिलती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, खत्म। आसान है ना? डिसऑनर, अगर चेक डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? कोई नोटिंग नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, सीधा केस होएगा। देखना, अभी बताऊंगा आपको। नो नोटिंग ऑब्लिक प्रोटेस्ट, अगर ये डिसऑनर हो गया तो नोटिंग चार्जेस एक पे करते थे, आप जानते हो क्या होते हैं? अगर जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं फिर से बताऊंगा। नोटिंग ऑब्लिक प्रोटेस्ट, वेल अप्लाई। अच्छा, अब ये तो बात समझ आ गई। एक बात बताओ, क्या चेक की कोई टाइम लिमिट होती है? क्या मतलब बैंक आपको कहता है कितने टाइम में चेक फाड़ के मुझसे पैसे ले लेना? क्या चेक के ऊपर वैलिडिटी की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम लिमिट की बात कर रहा हूं, वैलिडिटी की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम लिमिट की बात कर रहा हूं। आपने एक इंसान को पैसे देने हैं, क्या वो सीधा आ जाता है? उसकी एक टाइम लिमिट होती है, बट वो हमने कहां पढ़ी थी? उस दुकानदार को आपने कहा था कि 2 दिन में पैसे दे दूंगा, बट चेक के केस में क्या ऐसा कुछ होता है? चेक के केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। वो दुकानदार ने आपसे डिमांड की तो आपने उसे चेक दिया, ठीक है। अब देखो, पेबल ऑन डिमांड, और ये टाइम बिल होता है। जैसे कि उसने कितना टाइम दिया था जुगनू ने बिजली को? 3 मंथ 3 मंथ। आपने दुकानदार को कितना टाइम दिया था? 2 डेज। मतलब जो भी टाइम है इसके ऊपर एक टाइम स्पेसिफाइड होता है, इतने टाइम के अंदर ये बिल मैच्योर हो जाता है और आपको ये पे करना पड़ेगा। टाइम बिल और पेबल ऑन डिमांड, वैसे टाइम बिल लिखो, पेबल ऑन डिमांड इधर लिख दिया ना, बहुत है। वो पेबल ऑन डिमांड है और ये क्या है? टाइम बिल है। जो टाइम बिल के ऊपर मेंशनड होगा आपको वो लिखना है, मतलब उतने टाइम पे वो बिल मैच्योर हो जाएगा। सर कैसे? अगर 3 महीने लिखा हुआ है तो 3 महीने के अंदर वो बिल मैच्योर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो बिल इमेच्योर है, फिर तो आपको फिर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात उस टाइम पे एग्री हुई कि आपने 2 दिन में पैसा देने हैं तो वो टाइम है। यहां पे कुछ होता है इतने दिन में चेक दे देना? कुछ नहीं होता है। चेक की वैलिडिटी अलग है या बिल की वैलिडिटी की बात अलग है। नो स्टैम्प ड्यूटी पेबल, चेक के ऊपर कोई स्टैम्प पेबल होती है? नो स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड, स्टैम्पिंग इज रिक्वायर्ड, इट शुड बी स्टैम्प्ड इन इंडिया। चेक क्रॉस हो सकता है, बहुत सारे तरीके दिखाए मैंने आपको, क्रॉस चेक, स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पे चेक, उसे क्रॉस कर सकते थे हम। क्या इसे क्रॉस कर सकते हैं? नो, ये कैन बी क्रॉस, कैन नॉट बी क्रॉस, ये क्रॉस नहीं हो सकता। अगर ये क्रॉस हो जाएगा तो इसको फिर मान लिया जाएगा कि फाड़ दिया आपने, पैसा मतलब नुकसान मत कर देना यार, चेक मत फाड़ देना, मतलब सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज मत फाड़ देना है। अब अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ होगा कि अब सब लोगों को बोरियत हो रही होगी, थोड़ी थोड़ी है बोरियत हो रही है। एक काम करें फिर, एक जोक सुनाता हूं, चलो जोक सुनाता हूं। हाँ, एक बारी क्या होता है, एक बहुत ना कंजूस आदमी होता है, उस कंजूस आदमी के घर के अंदर
एक मेहमान आ जाता है, वो मेहमान आता है तो वो उसे कहता है कि हाँ जी क्या लेंगे यार, ठंडा या गरम? तो इंसान कहता है यार बड़ा अच्छा मौका है यार, ये तो लपेट देता हूँ आज इसे। कह रहा है कंजूस आदमी है यार, ये तो बड़ी मुश्किल से पूछ रहा है। कहता है दोनों मंगा लो। और बंदा पता है जो कंजूस आदमी होता है क्या करता है, कहता है अरे बेटा 2 गिलास पानी ले आ, एक फ्रिज में से ले आइयो और एक गीजर में से ले आइयो। एक फ्रिज में से और एक गीजर में से, यार बताओ कोई बात है यार। वो बंदे का तो सारे अरमान तोड़ दिए उन्होंने। अब चलो कोई बात नहीं, जोक आ गया, एंजॉयमेंट होगी, वापिस आ जाओ क्लास में। अब देखो, अब तक कुछ टर्म्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। पीछे की क्लास 40 40 मिनट क्रॉस हो गई होगी, है ना। अब ये वाली जो क्लास है ये थोड़ी छोटी कर लेते हैं फिर। अब देखो ड्रॉर, ये कौन होता है ड्रॉर? क्योंकि क्या ड्रॉर वो दरवाजे वाला ड्रॉर होता है क्या, जिसमें आप सामान रखते हो, इसको से पीछे निकाल लेते हो? नहीं, ये ड्रॉर वो होता है द पर्सन हु ड्रॉज बिल। चेक और बिल, ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है, जिसका नाम होता है उस बिल में, द पर्सन ऑन हुम द बिल इज मेड। या फिर लिख देना पार्टी ऑन विच बिल इज ड्रॉन ऐसी पार्टी जिसके ऊपर बिल बनाया गया है। मैंने आपको, मान लो क्या कुछ बेचता हूं मैं आपको, चलो मैंने आपको अपना लैपटॉप बेचा, ठीक है, तो अब बिल बनाऊंगा कौन? मैं। तो मैं क्या हुआ? ड्रॉर। और बिल बनेगा किस पे? आप पे। तो आप क्या होंगे? ड्रॉई। जो बना रहा है वो कर रहा है काम, तो वो आ रहा है आखिरी में। मैं कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? ड्रॉर। और आप क्या कर रहे हो? पैसे दे रहे हो यार, ड्रॉई। असेप्टर, असेप्टर कौन होता है? अच्छा एक बात बताओ, क्या ड्रॉई असेप्टर हो सकता है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप गए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो गिफ्ट लेने, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बिल गिफ्ट आपके लिए हो और पैसे भी आपने दिए हो। होता है गिफ्ट लिया भी आपने है और पैसे अपने लिए, और गिफ्ट पैसे भी आपने दिए, तो उस केस में क्या होगा? बिल किसके नाम का बनेगा? आपके नाम का। एक्सेप्ट कौन करेगा? आप खुद। पे कौन करेगा? आप खुद। तो बचा क्या? तो सर मतलब ये तो धप्पा हो गया। अरे कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। अब देखो क्या हुआ, बिल बनाया दुकानदार ने, किस पे बनाया? पहले वाली बात छोड़ देते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड पे बनाया और पैसे आपने दिए, वो बात छोड़ देते हैं। अब गिफ्ट खरीदा आपने खुद के लिए, जब खुद के लिए खरीदा तो क्या बात होगी? बिल बना आपके ऊपर, एक्सेप्ट किया आपने, समझे? तो मतलब ड्रॉई और एक्सेप्टर एक ही इंसान हो सकता है, पॉसिबल है ये चीज? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो, एक्सेप्टर कैन बी फॉलोइंग पर्सन, एक्सेप्टर कौन कौन हो सकता है? चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन हो सकता है? ड्रॉई भी तो एक्सेप्टर हो सकता है, अभी बात की थी ड्रॉई। अच्छा सर अगर एक से ज्यादा ड्रॉई है तो ऐसा हो सकता है कि बिल एक से ज्यादा लोगों पे बनाया गया हो? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बिल के अंदर सभी लोग, मतलब बड़े सारे बंदे आए थे सामान लेने, तो उसने सबका ही नाम लिख दिया बिल के ऊपर, तो ड्रॉई कितने हो सकते हैं? सारे एक से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन ड्रॉई। ऑल और सेवरल नेम्स, या तो सबके नाम लिख दो या कुछ नाम लिख दो, एक से ज्यादा अगर ड्रॉइज हैं। आई बात समझ? अगर मान लीजिए कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड आए थे, तो एक से ज्यादा है, या तो दोनों का नाम लिख दिया जाए बिल पे, है क्या ना कि लव वर्ड्स हैं, हम दोनों अपना नाम लिख पाएंगे बिल पे बेबी, है ना? ऐसा तो नहीं करोगे? तो मतलब ये मत करना, दुकानदार भी कहेगा कि यार ठीक है, अच्छा ठीक है कर लेना, एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वो। अब क्या हुआ कि एक से ज्यादा अगर ड्रॉई है तो क्या हो सकता है? हाँ या तो सबका नाम या कुछ का नाम, ठीक है। अब देखो, अ ड्रॉई इन नीड
एजेंट ऑफ पर्सन। अगर कोई इंसान खुद नहीं आया सामान लेने, पर लेना खुद के लिए, लेना खुद के लिए है, खुद नहीं आया बट किसी को अपने एजेंट को भेज दिया, तो उसके एजेंट के नाम पे बिल हो सकता है? बिल्कुल। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, महा क्या कहते हैं, महा महा व्यक्ति जो है, महापुरुष जो हैं, तो वो क्या वो खुद आते होंगे? नहीं यार, अपने एजेंट को भेजते होंगे, उसके एजेंट के नाम पे बिल होता होगा, पर पे कौन करता है? वो इंसान खुद है ना। तो वही वही काम है यहां पे भी। एन एसेट फॉर ओनर, ये सब लोग क्या हो सकते हैं? एसेप्टर हो सकते हैं। सर देखिए, ड्रॉई आप समझ चुके हैं, एक से ज्यादा ड्रॉई आप समझे। अ ड्रॉई इन नीड, एक ऐसा इंसान जिसे बिल की जरूरत है, एक ऐसा इंसान जिसे पैसे की जरूरत है। अ ड्रॉई इन नीड एक बार डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कोई खास मुश्किल वाला कंसेप्ट नहीं है। इट्स अ ड्रॉई इन नीड। एजेंट ऑफ अ पर्सन समझ में आ गया। एन एसेप्ट फॉर ऑनर ऑफ बिल, बिल को जिसने ऑनर किया वो इंसान कौन होगा? जो एक्सेप्टर होगा वही यार, जिसने बिल एक्सेप्ट किया। ऑनर किसे करना पड़ेगा? उसे। आपने वो बिल को एक्सेप्ट किया था, तो उस बिल को ऑनर कौन करेगा, मतलब पे कौन करेगा? एक्सेप्टर फॉर ऑनर मतलब टू पे बिल, तभी तो आपने उस बिल को ऑनर किया, वरना क्या हो जाएगा? वो डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? गड़बड़, वो दुकानदार घर आ जाएगा यार। और मतलब ये बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, कहता ना कभी से, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आई आपकी बात, तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो वो भी कहेगा हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी बात। तो दोस्तों अब रिवाइज करते हैं। अभी तक अगर आप बीच में से कहीं इधर उधर आप कहीं खो गए थे, उस दुकान पे ही रह गए हो, पता चले आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और मैं कंसेप्ट में निकल के आगे आ गया हूं, तो अभी भूल जाएं, ये सब भूल जाएं और इधर फोकस करें। तो जो आप वहां खो गए थे वहां से वापस लेके आ जाऊंगा आपको। अब सिर्फ जो आखिरी का टाइम है, इधर फोकस करो। चेक की वैलिडिटी, आरबीआई का नोटिफिकेशन आया था 4 नवंबर 2011 को कि चेक की वैलिडिटी 3 महीने है। कितनी है? 3 महीने, 3 months फ्रॉम द डेट मेंशन। कितनी है? 3 महीने। और बैंक 3 महीने से बात सर एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, 3 महीने से पहले हां ले जाओ। अगर आज मान लो, अगर एट प्रेजेंट अभी मार्च है, अगर अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च अप्रैल मई 31 मई, दैट्स इट, लास्ट, खत्म। 31 मई के बाद वो चेक वैलिड नहीं होगा। बैंक ड्राफ्ट बहुत बार बनवाया, ड्रॉन बाय बैंक ऑन अनदर पर्सन, पेबल ऑन डिमांड और ऑर्डर। या तो डिमांड पे पे होगा या ऑर्डर पे पे होगा। कोई कहेगा तभी तो बनवाओगे, कैसे बनवा के घर में रख लोगे, खराब हो जाएगा यार। मांग चेक, अगर आपने चेक के ऊपर किसी इंसान का नाम लिख दिया, जैसे लिख दिया आपने पे टू जलेबी भाई, जलेबी भाई है, बैंक इज अंडर लायबिलिटी टू पे अमाउंट टू दैट पर्सन हुज नेम इज देयर ऑन द चेक। पे टू जलेबी भाई, तो बैंक इज अंडर लायबिलिटी टू पे अमाउंट टू होम, जलेबी भाई। बैंक को यह अमाउंट पे करना ही पड़ेगा जलेबी भाई को, नहीं पे करेगा तो गड़बड़, तो बैंक लटक जाएगा। क्रॉस चेक, पे अमाउंट टू बैंकर ओनली, मतलब अगर बैंक खाली है, मतलब सॉरी चेक खाली है, ब्लैंक है, तो आपने ऐसे अकाउंट कर दिया ना, तो वो बैंकर से कलेक्ट कर लो जाके अपने, बट यहां कुछ नहीं। स्पेशल क्रॉसिंग, इस बैंक का नाम आपने लिख दिया पीएनबी बैंक, ठीक है, पीएनबी बैंक, तो क्या होगा? इस पर्टिकुलर बैंक के पास जाना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर बैंक के पास जाना पड़ेगा। इस बैंक के अलावा आपके बैंक से, आपके बैंक से ये चेक सिर्फ और सिर्फ पीएनबी बैंक में जाएगा। हमारे बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसके अलावा जब ये दूसरे इंसान के पास जाएगा, तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ पीएनबी से ही पैसा निकलवा सकता है और कहीं से भी नहीं। अब इसके आगे देखते हैं। अकाउंट पे मनी विल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट ऑफ जलेबी भाई। यहां पे फिर वो जलेबी भाई के बैंक अकाउंट में जाएगा। ये जलेबी भाई है, कहीं ये मत सोच रहे ना कि सर डांस वांस कर रहे हैं कोई। तो दोस्तों एक है ये चेक और एक है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ये अभी हमने दो बादल बना दिए हैं और यहां पे लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक के केस में ड्रॉई इज ऑलवेज बैंक,
बैंक हमेशा ड्रॉ ही होता है, ड्रॉ कैन बी एनी वन एनी पर्सन, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई ग्रेस पीरियड नहीं है, या फिर प्रोफेशनल कोर्स की तरह लग रहना है ना, है ना, पेपर हमेशा इंस्टीट्यूट को जाएगा, कोई ग्रेस नहीं दी जाएगी, है ना। और डिसऑनर हो गए तो भैया कोई सुनवाई नहीं है, पेबल ऑन डिमांड, जब बुलाएंगे पेपर देने आना पड़ेगा, नो स्टैंप, नहीं यार स्टैंप, स्टैंप ड्यूटी लगती है, नहीं लगती। क्रॉस, क्रॉस मतलब क्रॉस हो सकता है, आपका रिजल्ट आपके घर पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो नो ग्रेस पीरियड, 3 डेज ग्रेस पीरियड, 3 दिन का ग्रेस पीरियड यहां पे आपको दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि कोई बात नहीं, अगर आपने गलती की है तो कानून आपको देता है 3 दिन। 3 दिन याद करना मुश्किल नहीं है, अभी तक 3 नंबर ही आया 2 बार, 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और हमने 3 पारी की ही बात की है। अगर डिसऑनर हो गया नो नोटिंग नो प्रोटेस्ट, डिसऑनर हो गया नोटिंग प्रोटेस्ट अप्लाई हो जाएंगे। बताऊंगा, टेंशन मत लेना, नोटिंग क्या होती है, ये एक नोटरी करता है, रस्ते में बहुत बार देखा है आपने, मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां लिखा होता है नोटरी करवाएं, एफिडेविट ले लें, एफिडेविट यहां मिलते हैं, वो जो लोग होते हैं वो नोटरी होते हैं, उनकी बात करेंगे थोड़ी सी। पेबल ऑन डिमांड ऑलवेज, टाइम बिल होता है, मतलब पेबल ऑन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, नो स्टैंप, स्टैम्प्ड इन इंडिया, क्रॉस हो सकता है, ये कैन नॉट बी क्रॉस, ये क्रॉस नहीं हो सकता, ये चीज क्रॉस नहीं हो सकती। अब दोस्तों देखते हैं आगे, एक चीज 2-3 टर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, उन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रॉर, सर ड्रॉर मतलब वो दराज, जिसे हम दराज कहते हैं घर में, बॉक्स कहते हैं, क्या वो नहीं, पर्सन हु ड्रॉज चेक और ऑब्लिक है ये, कुछ और मत समझ लेना कि पता नहीं क्या डंडा पर्दा सा लगा दिया था यहां पे है। वो इंसान जो बना रहा है चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट पर्सन इज ड्रॉई, पार्टी ऑन विच बिल इज ड्रॉन, ठीक है। एक्सेप्टर कैन बी एनीवन, ड्रॉई हो सकता है, एक से ज्यादा ड्रॉई है तो ऑल या सारे, ड्रॉ इन नीड, ऐसा इंसान जिसे जरूरत है, ठीक है। एजेंट ऑफ पर्सन, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये चीज डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, अभी के लिए इतना ही मान लो। एंड एक्सेप्ट फॉर ऑनर, एक इंसान जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, बिल को ऑनर करने के लिए, ताकि बिल डिसऑनर ना हो जाए, तो क्या होगा फिर, नोटिंग चार्जेस लग जाएंगे, प्रोटेस्ट की बात हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। सो दोस्तों ये वाली क्लास अब खत्म कर देता हूं यहां पे। हाँ क्या हुआ, अरे यार अच्छा ऐसा तो चल रहा है, ऐसे शक्ल बना के देखते हैं, अच्छा चलो ठीक है, अब ये वाली क्लास यहां पे खत्म करते हैं हम। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस। सर अभी तक खाली टाइप्स पढ़ाया, यही पढ़ा था, बाकी सब छोटे छोटे हैं, टेंशन मत लो। टाइप्स और होल्डर ये दोनों एक में ही करा दूंगा, चलो देखना जादू। टाइप्स है और होल्डर है, सॉरी एक्सेप्टेंस है और होल्डर है, ये दोनों डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी जल्दी से चैप्टर खत्म करेंगे। सो दोस्तों अच्छे से नोट करना, अब हम मिलते हैं जल्दी से अगली क्लास में, ठीक है। सो टिल द टाइम अच्छे से नोट करो और जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ।